अच्छा, हमारे जो रहबर है ना, ये आज़ाद कश्मीर में एक दूसरे पर तनकीद के नश्ते चलाते हुए नजर आ रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पर किसी ने भी काम नहीं किया और इसका मलबा अब एक दूसरे पर डालकर कहने के खुद को बरीजुमा करार दे रहे कि मेरा तो कसूर नहीं था, इसका था, इसका नहीं था, उसका था। एक दूसरे पर तनकीद भी की जा रही है, मलबा भी डाला जा रहा है और खुद कहा जा रहा है कि बस मेरा कसूर नहीं था। हमारे रहबरों की कश्मीर के हवाले से संजीदगी का ज़रा आलम देखें। यह आलम था कि असम्बली में वज़ीर आज़म कश्मीर जैसे अहम मामले पर जब बात कर रहे थे, वो कर रहे थे, आप याद करें, बल्कि बात कर रहे होते हैं तो अपोजिशन के रहनुमा ऐवान में क्या करते हैं, वज़ीर आज़म की तकरीर में खलल डाल देते हैं। ये इनकी संजीदगी का आलम है कश्मीर को लेकर, जिस पर वज़ीर आज़म को कहना पड़ता है कि ये इजलास पूरी दुनिया देख रही है, यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर की आवाम की नज़रें भी इसी इजलास पर लगी हुई हैं। लेकिन मजाल है कि हमारे ये जो रहबर हैं, इन्होंने संजीदगी का मुजाहरा किया हो। आज हमारे रहबर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अगर इनको मौका मिले, ज़रा सुनते जाइएगा, अगर कहते हैं ये कि अगर इनको मौका मिले ना तो ये आज़ाद कश्मीर की आवाम की तकदीर तो बदलेंगे ही, पहले तो तकदीर बदलेंगे ना, लेकिन मौका मिलने पर ये मकबूजा कश्मीर पर अपनी मजबूत पॉलिसियाँ बनाएंगे। अब मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ इन रहबरों से कि जब मौका मिला था, क्या मौका नहीं मिला आप लोगों को? बड़े मौके मिले तुम लोगों को, अब जब मौका मिला था आप लोगों को तब मकबूजा कश्मीर के हवाले से मजबूत पॉलिसियाँ बनाना आप लोगों को क्यों याद नहीं रहा? क्यों नहीं बनाई थी? किसने रोका था? बल्कि चुन चुन कर आप लोग ऐसे लोगों को चेयरमैन कश्मीर कमेटी लगाते थे जिन्होंने क्या किया, सिर्फ नींद और खाने के मज़े लिए, लाखों की लस्सियाँ पीं और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब मरियम साहिबा भी आज आज़ाद कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने निकली तो इनको याद आ गया मोहतरमा को कि ये भी कश्मीरी हैं, इनके वालिद भी कश्मीरी हैं, और मोहतरमा ने ये जिताने की पूरी कोशिश की कि ये तो कश्मीर की बहुत बड़ी खैर ख्वाह हैं, जैसे इनसे बड़ी खैर ख्वाह तो कोई हो ही नहीं सकती। जबकि इनकी कश्मीर के हवाले से जो खैर ख्वाही, अब ज़रा सुनते जाइएगा, सच है कड़वा, इनको लगेगा कड़वा, जो कश्मीर के खैर ख्वाही का जो राज है ना इनका, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के जो साबिक तर्जुमान है ना, उन्होंने खोल के रख दिया था तस्नीम असलम साहब का। आपको याद है ना उन्होंने क्या कहा था, क्या कहती हैं, क्या बताती हैं कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी प्रो इंडियन थी और नून लीग के कायद दफ्तर खारजा को भारत के खिलाफ बयान देने से रोकते थे। सोचिए जरा, इतना भारत का सगा आपका बाप, बड़े आप लोग कश्मीरी, कुलभूषण पर बात करने पर भी पाबंदी थी, दफ्तर खारजा को कश्मीर की हिमायत पर बयान देने पर भी रिस्ट्रिक्शन थी, सोचे जरा। और नून लीग के कायद जब भारत जाते तो वहां कश्मीरी रहनुमाओं से मिलते भी नहीं थे। और ये इल्जाम तराशी नहीं है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, बकायदा ये हिस्सा है, और नून लीग का ये माजी है, ना ये मिटा सकते हैं इस माजी को, ना ये झुटला सकते हैं। अब नून लीग के कायद की भारत को लेकर ये जो पॉलिसी थी वो भारत नवाज अगर नहीं थी तो और क्या थी, ज़रा बताएं। और इनकी इस पॉलिसी से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, नुकसान ही हुआ ना। हाँ, फ़ायदा अगर हुआ तो किसको हुआ, इनकी अपनी ज़ात को। अब मेरा मरियम से एक सवाल है, क्या आप खुद को कश्मीरी कहती हैं, लेकिन आपके वालिद की जो पॉलिसीज़ हैं क्या वो कश्मीर के हक में जाती थी? क्या उनको कश्मीर की ज़रा से भी फिक्र थी? उन पॉलिसीज़ को ज़रा देखें, नज़र डालें, तो आपको लगता है कि आपके वालिद को कश्मीर की ज़रा से भी फिक्र थी? और मोदी जो कि कश्मीरियों का कातिल है, कौन है कश्मीरियों का कातिल, कौन करवा रहा है वहाँ पे जुल्म? नरेंद्र मोदी, आपके वालिद ने तो उनको, उनको क्या, उसको, उस शख्स को इतनी इज्जत कोई दे सकता है? उस नरेंद्र मोदी को, उस हैवान को, उस दरिंदे को बगैर टिकट के, बगैर वीजे के पाकिस्तान बुला लिया था। किसने? आपके वालिद ने, जो कि कश्मीरी है। क्या कौम है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।